अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यायाम करते हुए वीडियो पोस्ट किया है और करारा तंज कसा है। पीएम मोदी के इस वीडियो के साथ राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, डियर पीएम, कृपया अपने जादुई व्यायाम दिनचर्या को और आजमाए, आपको क्या पता शायद इससे अर्थव्यवस्था चलने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले भारतीय क्रिकेट टीम के नियमित कप्तान विराट कोहली के फिटनेस चैलेंज को स्वीकार करते हुए अपना ये वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया था। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्क में कई तरह की एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं। जब पीएम मोदी ने ये वीडियो जारी किया था, उस समय उन्होंने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी और खिलाड़ी मनिका बत्रा को नॉमिनेट किया है। बता दें आपको कि इससे पहले शनिवार को मोदी सरकार 2.0 ने अपना दूसरा आम बजट पेश किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव का ऐलान किया था। हालांकि मोदी सरकार 2.0 के इस बजट पर विपक्ष ने जमकर हमला बोला था। राहुल गांधी ने भी बजट को लेकर मोदी सरकार को घेरा था। राहुल गांधी ने कहा था कि बजट के नाम पर सिर्फ भाषण था, इसमें कोई सेंट्रल थीम नहीं है, अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए में बजट में कुछ नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा था, वर्तमान में अहम मुद्दा बेरोजगारी है। मैंने इस बजट में ऐसी कोई रणनीति नहीं दिखी जिससे युवाओं को रोजगार मिले। इतना लंबा बजट सिर्फ आंकड़ों का जुमला था। बजट में बार बार चीजों को दोहराया जा रहा था। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार को पता है कि क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।